स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला एग्जाम्पल था कैर एट। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे साई कॉलेज। ठीक है, मैं अभी कोई भी स्पेस नहीं दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग करेंगे कैर एट, कैर एट। ठीक है, ठीक है, कैरेट फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या रिटर्न करता है कैरेट? इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? अगर हम लोग जो भी इंडेक्स इंडेक्स। डालेंगे उस इंडेक्स का हम लोगों को कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं कैर का ch इक्वल टू, मैं यहाँ पे किस पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पे str। ठीक है, वन। ठीक है, यहाँ पे str1 डॉट क्या लिखूंगा, यहाँ पे कैर एट। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं पास कर रहा हूँ 3। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 में पास कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैं यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिर्फ सी एच को। इस सी एच को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जावा सी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस डॉट जावा। ओके, कोई एरर नहीं आया है। देन उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे, जावा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। देखो क्या है यहाँ पे, सी प्रिंट किया है। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 0 1 2 3, तो इंडेक्स नंबर 3 में क्या आया, सी आया। ठीक है, वैसे ही हम लोग जो भी यहाँ इंडेक्स देंगे वो प्रिंट होगा। मैं जैसा 8 देता हूँ यहाँ पे, तो 8 मैंने दिया, और यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, तो कैरेट से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी इंडेक्स पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग को उसका कैरेक्टर रिटर्न करेगा, मतलब उस प्लेस पे उस इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है हमारे स्ट्रिंग में वो रिटर्न करेगा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट कौन सा था, लेंथ। ठीक है, लेंथ पे हम लोग आ जाते हैं। तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी स्ट्रिंग का, यहां पे हम लोग लिख देंगे ठीक है, स्ट्रिंग 1 का हम लोग को लेंथ निकालना है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन उसके बाद यहाँ पे str1 डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ। ठीक है, लेंथ मैंने लिख लिया, और हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं।
ओके कंपाइल करेंगे यहाँ पे और हम लोग करेंगे रन। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितना आया, 10 आया, 10 दिख रहा है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 0 to 9 है, इसका मतलब क्या है, लेंथ 10 है, 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। साई कॉलेज यहाँ पूरा पूरा लिखा हुआ था, वो टोटल 10 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे लेंथ क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है, ओके। देन इसके बाद हम लोग एक दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसमें हम लोग सब स्ट्रिंग निकालेंगे, ओके। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मुझे str1 में से सिर्फ और सिर्फ साई चाहिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ST सब स्ट्रिंग प्लस, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ str1 डॉट सब स्ट्रिंग, str1.substring। सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ 0, ठीक है, 0th इंडेक्स से मुझे क्या चाहिए, जो भी हमारा सबस्ट्रिंग है 0th इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे java c string handling function.java, फिर उसके बाद हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किए हम लोग, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 डाला, वापस यहाँ पे आए हम लोग और रन किए, तो क्या आ गया, इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट हुआ और पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक वो हम लोग को रिटर्न कर रहा है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 क्या होगा, सी होगा, सी से पूरा का पूरा कॉलेज रिटर्न कर, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज लिखता हूँ और एंडिंग इंडेक्स भी देता हूँ, यहाँ पे 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 9 तक जाना चाहिए, ठीक है, 3 से कितने कैरेक्टर चाहिए हम लोग को, COLL CO 1 2 3 4 5 6 7 7 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7, ओके। तो यहाँ पे अगर आके हम लोग कंपाइल करते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 to 7 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब जावा 7 वर्जन के पहले का हम लोग यूज करते थे, उस समय क्या होता था, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाता था, पूरा का पूरा 7 कैरेक्टर्स तक पूरा लेता था, ठीक है। जावा वर्जन 7 के बाद से इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, इस टाइप का सिंटेक्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आउटपुट, COLL। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स नंबर 9 तक मैं लेता तो पूरा का पूरा प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लोग देंगे
कैसे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग वन, क्योंकि हम लोग को ये ट्रू या फिर फॉल्स में रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं स्ट्रिंग वन को कंपेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग टू से। ठीक है, स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स, ठीक है, स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब किससे हम लोग इक्वालिटी चेक करेंगे, एस टी आर टू से। तो इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे एस टी आर टू। ठीक है, स्ट्रिंग वन को कंपेयर करेगा एस टी आर टू से, अगर वो इक्वल होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं हम लोग कि ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं यहां पे कुछ चेंजेस करता हूँ, सी को स्मॉल कर देता हूं। ठीक है, सी को कर दिया मैंने स्मॉल, तो यहां पे देखो फॉल्स रिटर्न किया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की इक्वालिटी को चेक किया जाता है, इक्वालिटी मीन्स केस को भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, सेम हम लोग वैसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एस टी आर वन डॉट इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, और इसके अंदर मैं देता हूँ एस टी आर टू। अब यहाँ पे ये एस टी आर वन है हमारा, जिसमें सी कैपिटल है कॉलेज का, और यहाँ पे जो एस टी आर टू है इसमें सी स्मॉल है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग का क्या प्रिंट करता है। इक्वल्स इग्नोर केस है क्या, एक सेकेंड सर, वो कमेंट पे फंक्शन का वो लगाऊंगा एस टी आर वन डॉट टू अपर केस। ठीक है, और यहां पे हम लोग आते हैं, ठीक है, और यहां हम लोग रन करके देखते हैं इसको। तो यहां पे देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या किया, अपर केस में चेंज कर दिया। ओके, देन उसके बाद हम लोग करते हैं सेम, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे लोअर केस के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहां पे मैं लिखूंगा एस टी आर वन डॉट टू लोअर केस, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पे आके हम लोग रन करेंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्मॉल में आ गया। यहाँ पे एस कैपिटल था, यहाँ पे एस कैपिटल था, सी कैपिटल था। ठीक है, तो यहाँ पूरा लोअर केस में चेंज कर दिया। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एस टी आर वन डॉट टू अपर केस यहाँ पे यूज किए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा ट्राई करते हैं रन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोकल जो स्ट्रिंग होता है वो यहाँ पे आर्गुमेंट जैसे पास नहीं किया जाता है। मतलब ये अगर हम लोग किसी पे मेथड को अप्लाई किए और यहाँ पे हम लोग ने क्या किए, प्रिंट कर दिया, अगर हम लोग इसको स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल पे तब ये काम करता। ओके, और यहाँ पे हम लोग
इसमें पास नहीं कर सकते हैं, एज ए पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर सकते, इसी में हम लोग को लगाना होता है। तो हम लोग इसको कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा टू लोअर केस, यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं क्या वो चेक कर लेते हैं एक बार। लाइक बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं जावा में जिसमें हम लोग लगा सकते हैं टू लोअर केस। ओके, बहुत बढ़िया। देखो इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, एज ए आर्गूमेंट हम लोग पास नहीं कर सकते लेकिन डॉट ऑपरेटर से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस टी आर वन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, देन उसके बाद लोअर केस में वहीं के वहीं कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये एक स्ट्रिंग है, एस टी आर वन डॉट टू अपर केस एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग पे ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग टू लोअर केस। ओके, अगर यहाँ पे एस टी आर वन डॉट टू लोअर केस आप चेंज किए तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये साई कोले स्मॉल में रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ डॉट लगाता हूँ, लिखता हूँ टू अपर केस और इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, तो क्या चेंज कर देगा, अपर में चेंज कर देगा। ओके, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हम लोग अपर केस टू लोअर केस कर दिए और लोअर केस टू अपर केस कर दिए। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग कहीं पे भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस देखे, कैरेट हम लोग देख लिए, सब स्ट्रिंग हम लोग देख लिए, इक्वल्स हम लोग देख लिए, इक्वल्स इग्नोर केस हम लोग देख लिए, टू अपर केस और लोअर केस बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, एग्जाम में भी हमेशा आता है।